यस गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। और मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए मोहित तापड़िया। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बहुत 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 सिंपल सा, बहुत ही मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली सिर्फ 12th वाले बच्चों के लिए रहेगा, जहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। राइट, हम आज के टॉपिक में ये जानने वाले कि जब कभी भी पार्टनरशिप फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होती है, मतलब या तो पार्टनर आते हैं या पार्टनर जाते हैं, और एल्स कोई आ रहा जा रहा नहीं है, खाली वो लोग अपने शेयर्स को चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में हम किस तरह से डील करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, वो आज हम सीखने वाले हैं। ये नॉर्मली चैप्टर नंबर 4th रहता है ऑफ 12th गुजरात बोर्ड, ये नॉर्मली चैप्टर नंबर 3rd रहता है 12th सीबीएसई का। बट आज जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ वो स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली मैं 12th गुजरात बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रख के करवा रहा हूँ। बट दैट डजेंट मैटर्स, आप 12th गुजरात बोर्ड में हो, आप सीबीएसई में हो, आईएससी में हो, कोई भी पर्टिकुलर बच्चा ये पर्टिकुलर वीडियो से ये टॉपिक इजीली सीख सकता है। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, साथ साथ में मैं आपको बहुत सारे सम्स भी करके दिखाऊंगा। ये सारे के सारे सम्स आपके टेक्स्टुअल लेवल के होंगे, मतलब एग्जैक्टली आपकी बुक के होंगे, जिससे आपको कुछ बाहर का ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। सर आप अपने टेक्स्टुअल कॉन्टेंट कर लो, आपके एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। ठीक है बच्चा, सो आज का हमारा काम रहेगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिर्फ और सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करना, दैट इज स्पेसिफिकली ऑल अबाउट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। राइट, तो चलिए सब लोग चेक कर लीजिए, आप सबको मेरा ऑडियो वीडियो परफेक्टली दिख रहा है, चेक कीजिए। यहाँ पे आपको दिखना चाहिए पूरा का पूरा मेरा कंटेंट, यहाँ पे जो मैं आपके लिए लिखूंगा वो आपके लिए इजीली विजिबल होना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में मजा आता रहे तो जरूर से हमें बताइए, आपके कॉमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। कुछ भी नहीं हो तो यार, अगर आपने वीडियो देखा हो, आपने एंजॉय किया हो, तो एक थैंक यू लिख के दे दीजिए, सर मजा आ गया, हमने एंजॉय किया, दैट्स इट। राइट, जिससे हमें पता चले कि यस, देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टिल वेटिंग फॉर अस, हमें एक बड़ा मोटिवेशन मिलता है भैया कि यहाँ आके रोज पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, अगर आप लोग हमें थोड़ा सा मोटिवेट करते रहे। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे आज हमारे बेसिक टॉपिक के साथ में। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज रहने वाला है ऑल अबाउट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर्स। राइट, अब हम पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट करने वाले हैं, देखेंगे किस तरह से करेंगे, मैं आपको पूरा बेसिक नॉलेज के साथ बताऊंगा। चलिए, रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या है, जब कभी भी कोई पार्टनर अपने रेशियो को कम या ज्यादा करना चाहता है उसे बेसिकली कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन। ये रेशियो कम ज्यादा बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कोई नया पार्टनर आ रहा है तो रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई पार्टनर जा रहा है तो रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई आ रहा जा रहा नहीं है, पार्टनर खुद चाहते कि हम हमारे रेशियो को चेंज करें, क्योंकि शायद एक बंदा टाइम ज्यादा देने वाला है, एक बंदा टाइम कम देने वाला है, या किसी एक पार्टनर के एफर्ट ज्यादा है बाकी सब पार्टनर्स के कंपैरिजन में, तो हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। सो ये रिकंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ अपने स्क्रीन पे ध्यान देना है, मेरे साथ यहाँ टिक के बैठे रहना, मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पे रटवा दूंगा। ठीक है बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर। अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर में हम तीन चीजें सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं सेक्रीफाइस एंड गेन रेशियो, दूसरा हम सीखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और तीसरा हम सीखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। ये तीन चीजें, मतलब एक तरीके से आपके चैप्टर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला होगा सेक्रीफाइस एंड गेन रेशियो, दूसरा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और तीसरा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स। हम एक एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रेशियो के साथ में, उसका नाम रहेगा सेक्रीफाइस एंड गेन रेशियो। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला रहता है दैट इज ऑफ अबाउट सेक्रीफाइस रेशियो। भैया कैसे निकाला जाए सेक्रीफाइस रेशियो, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। आपका ओल्ड रेशियो कितना था भैया, माइनस आपका न्यू रेशियो कितना होगा, दोनों का जो हम डिफरेंस निकाल देंगे वो आपको मिल जाएगा सेक्रीफाइस। वो डिफरेंस जो भी आएगा वो आपको मिल जाएगा सेक्रीफाइस। वैसे ही अगर आपको निकालना हो गेन रेशियो, तो सर गेन रेशियो का फॉर्मूला एग्जैक्टली अपोजिट होता है, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर न्यू माइनस ओल्ड कर दोगे तो भैया आपको मिल जाएगा गेन, और ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो आपको मिल जाएगा सेक्रीफाइस। राइट, जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी योर गेन। अब एक सिंपल सी बात समझ लो, सपोज हमने सेक्रीफाइस रेशियो पुट किया, हमारा आंसर नेगेटिव में आ गया, माइनस में आ गया, मतलब भैया अगर माइनस में आएगा तो वो हो जाता है हमारा गेन। वाइस वर्सा, अगर हमने गेन रेशियो पुट किया और हमारा आंसर माइनस में आ गया, तो सर माइनस में आया हुआ आंसर हो जाता है हमारे लिए, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, वो हमारे लिए हो जाता है सेक्रीफाइस। आ रही बात समझ में?
तो अगर आंसर कोई भी फॉर्मूला डालो आपको आंसर्स मिलेंगे, मतलब आप दोनों में से कोई एक फॉर्मूला भी कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दोनों फॉर्मूले पुट ऑन करो, वैसे दोनों फॉर्मूले सेम है कोई भी करो, मैं मैक्सिमम टाइम सेक्रीफाइस रेशियो ही पुट करना प्रेफर करता हूँ, राइट। आप सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला डालो, अगर आंसर नेगेटिव में आ गया तो वो गेन हो गया, आंसर पॉजिटिव रहेगा तो भैया वो सेक्रीफाइस हो जाता है, चलता रहता है भैया दुनिया में, राइट इनफ। सो एक ही फॉर्मूला बहुत है, आपको दो फॉर्मूले करने की जरूरत नहीं, आप एक ही फॉर्मूले में पूरा पूरा सम कर सकते हो आराम से, बहुत इजीली, राइट इनफ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अभी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के कुछ सम्स करते हैं, राइट। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अभी हम यहाँ पे कुछ सम्स करने वाले हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के, दैट इज हम यहाँ पे निकालने वाले सिर्फ सेक्रीफाइस गेन रेशियो। बहुत सिंपल सिंपल कॉम्पिटिशन होगा, मैं बेसिक बेसिक आपको सिखाऊंगा, अरिथमेटिक एक्यूरेसी आपको चेक करनी रहेगी, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने बैठा हूँ यहाँ पे, राइट इनफ बच्चा। चलिए स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 12 गुजरात बोर्ड की टेक्सट बुक का सबसे पहला इलस्ट्रेशन रहेगा। तीन पार्टनर्स है भैया हमारे पास, राम, श्याम और घनश्याम, ठीक है। आदर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो इक्वल, राइट। इक्वल रेशियो हो गया भैया, तो 1:1:1 आ गया। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:2:1। सो भैया हमारा ओल्ड रेशियो तो ये हो गया, हमारा न्यू रेशियो है 3:2:1, दिस इज आर न्यू रेशियो। चलिए अभी करना, अगेन दीज सर्कमस्टेंसेस पार्टनर्स want to know how much any they are sacrificing and they are gaining. In short, हमें sacrifice gain ratio निकालना रहेगा। बहुत लल्लू है यार, बहुत सिंपल है, वही बच्चों वाला फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करेंगे पुट करना, दैट इज सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। आप पूरा लिखना एग्जाम में, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मेरा 12th हो गया, आप अपना संभालो, राइट। चलिए सो पहले निकालूंगा मैं आर का, आर का ओल्ड रेशियो कितना है भैया 1:3, न्यू रेशियो कितना है भैया 3:6, ठीक है। अब आपको इसका एलसीएम निकालना रहेगा, तो इधर एलसीएम हो जाएगा हमारा 6, ऊपर चला जाएगा 2, मतलब 2 - 3, मतलब आपका आंसर आएगा -1/6। और मैंने कहा था जब भी आंसर माइनस में आएगा बच्चा वो रहने वाला है गेन, जब भी आपका आंसर माइनस में आएगा दैट वुड बी गेन, ये आपके लिए गेन रहने वाला है, फायदा रहने वाला है, दिस इज गेन फॉर यू, राइट। चलिए दूसरे का निकालेंगे श्याम का। सो श्याम का फॉर्मूला हो जाता है अगेन ओल्ड 1/3, न्यू 2/3, ओल्ड है सॉरी न्यू 2/6, सो ओल्ड है 1/3, न्यू है 2/6, अगेन एलसीएम निकालेंगे 6, 2 - 2 तो आंसर आ जाएगा 0, मतलब श्याम ना ही कुछ गेन कर रहा है, श्याम भैया ना ही कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, श्याम भैया न्यूट्रल है भैया, उनको कोई फर्क पड़ रहा नहीं है। चलिए घनश्याम सर की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया, ओल्ड रेशियो था हमारा 1/3, न्यू रेशियो हमारा 1/6, वापस से एलसीएम 6 हो गया, दैट इज 2 - 1, मेरा आंसर आ गया 1/6, विच मीन्स सेक्रीफाइस। इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब हो गया सेक्रीफाइस, मतलब पूरे सम का मॉरल क्या हो गया, पूरे सम का मॉरल ये है कि मिस्टर घनश्याम सेक्रीफाइस कर रहे हैं एंड मिस्टर राम गेन कर रहे हैं, जितना मिस्टर घनश्याम सेक्रीफाइस करे उतना मिस्टर राम गेन करे, आज के आनंद की जय, खत्म बात भैया, इतना ही काम है हमारा। सो बस अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन में एंट्री करने को कहा जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होंगे, दैट इज घनश्याम क्रेडिट होगा, एंड गेनिंग पार्टनर दैट इज राम डेबिट होगा, हमेशा एंट्री इस तरह से ही होने वाली है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा और गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा। इसी के साथ आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 खत्म हो गया, आपने कुछ भी नहीं किया, बहुत ही मजे से छोटा सा छुटक सा फॉर्मूला डाल के सर हमने हमारे 2 से 3 मार्क इजीली एग्जाम में बुक कर लिए है, राइट इनफ बच्चा। यहां तक किसी के मन में कोई दुख दर्द पीड़ा या तकलीफ हो तो भैया पूछते रहना, घर की बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, हमारे पास दे रखा है हमारे पास तीन पार्टनर्स है, दैट इज फर्स्ट इज भावेश, सेकंड इज विपुल एंड थर्ड इज हिरल। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, इनका रेशियो है 2:2:1। नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ये हो गया इनका न्यू रेशियो, बच्चा ये था इनका ओल्ड रेशियो। फ्रॉम द फॉलोइंग अगेन आपको सेक्रीफाइस रेशियो गिनना, बच्चों वाला काम है, चलिए फिर भी करूंगा मैं आपके लिए। स्टार्ट करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, डन है भैया, चलिए निकालते हैं। सो सबसे पहले हम निकालेंगे भावेश का, भावेश का ओल्ड रेशियो था 2:5 और मिस्टर भावेश का न्यू रेशियो हो गया 3:6, ओल्ड रेशियो था 2:5, न्यू रेशियो हो गया 3:6। चलिए भैया एलसीएम निकालेंगे, तो 6 और 5 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है, तो 6 2 12 -5 3 15, सो इधर आंसर आ जाएगा -3/30, मतलब सर गेन कर रहे हैं, मिस्टर भावेश कर रहे हैं गेन,
मिस्टर भावेश कर रहे हैं गेन, प्लीज ध्यान रखिएगा। और कॉमन सेंस भी कहता है मिस्टर भावेश का पहला रेशियो 2:5 था, मतलब एक तरीके से मिस्टर भाई भावेश को 5 में से 2 भाग मिल रहे थे, मतलब 40% मिल रहा था, जबकि अब की बार मिस्टर भावेश को मिल रहा है 3:6, मतलब आधा मिल रहा है, एक तरीके से 50% मिल रहा है। इन शॉर्ट भावेश का न्यू रेशियो ज्यादा है, ओल्ड रेशियो कम है, मतलब वो गेन कर रहे हैं, कॉमन सेंस भी कहता है, राइट। चलिए दूसरा निकालेंगे, मिस्टर सेकेंड थे विपुल, विपुल का ओल्ड रेशियो था 2:5, मिस्टर विपुल का न्यू रेशियो है 2:6, अगेन सॉल्व करेंगे टोटल आ जाएगा 30, 6 2s are 12 और 5 2s are 10, मतलब मेरा आंसर आ गया 2:30, ये हो गया भैया सेक्रीफाइस। सो मिस्टर विपुल कर रहे हैं सेक्रीफाइस। अब आप तीसरे का आंसर नहीं निकालो ना तो भी आपको कॉमन सेंस से पता है कि आंसर 1:30 आएगा, क्यों? क्योंकि हमेशा सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन होना ही चाहिए बच्चा, हमेशा होगा, जितना सेक्रीफाइस है उतना आपका गेन होगा ही होगा, कंपल्सरीली होगा। चलिए सो आंसर 1:30 आएगा, मुझे पता है तो भी मैं कर रहा हूँ। सो तीसरे बंदे हमारे हिरल, हिरल का ओल्ड रेशियो था 1:5 और हिरल का न्यू रेशियो है 1:6, सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 30, दैट इज 6 - 5, दैट इज 1:30। सो ये सर भी सेक्रीफाइस करने वाले हैं। सो इन शॉर्ट हिरल सेक्रीफाइस कर रहा है, विपुल सेक्रीफाइस कर रहा है और भावेश गेन कर रहा है। मैंने कहा था जो पार्टनर गेन करेगा वो डेबिट होगा और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे वो क्रेडिट होगा, मतलब अगर आपको एंट्री देने की बारी आएगी तो भावेश टू विपुल टू हिरल, ये आपकी बेसिक एंट्री रहने वाली है अगर बाय चांस कहीं पे एंट्री देने की बारी आए जो आगे आएगी। फिलहाल मैं ऐसे ज्ञान बांट रहा हूँ थोड़ा एडिशनल, जिससे आपको एक चीज 10 बार बोलने पे याद हो जाए कि भैया गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा, दैट्स इट, राइट। सो जब एक चीज 10 बार रिपीट की जाती है तो वो बहुत ईजिली याद रह जाती है, इसलिए मैं कुछ चीजें बार बार दोहराता हूँ। आपको शायद शायद थोड़ा इरिटेशन होगा, क्या सर एक ही बार 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 बोलते रहते हो, बट सर आप मानो नहीं मानो आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैं आपको वो चीजें याद करवा रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सो ये था हमारी 12th गुजरात बोर्ड की बुक का सेकंड इलस्ट्रेशन, बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ेंगे आज के हमारे तीसरे इलस्ट्रेशन पे बच्चा, हमारा तीसरा इलस्ट्रेशन है पूनम धवल एंड कोमल का, राइट। चलिए देखते हैं क्या कहा गया इसमें, पूनम धवल एंड कोमल आर द पार्टनर्स, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 3:2:1, भैया ये हो गया ओल्ड रेशियो, ऑल द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो टू न्यू रेशियो, करना है भैया 1:2:2, ये हो जाएगा हमारा न्यू रेशियो। अगेन आपको छोटे बच्चों वाला काम करना है और मैंने प्रॉमिस किया था कि भैया मैं सारे सब्स करवाने की कोशिश करूंगा, सो यस भले इजी है फिर भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। स्टार्ट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो निकालना, जहां पे हमें पता है सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए सबसे पहले निकालूंगा मैं पूनम का, पूनम का ओल्ड रेशियो है 3:6, पूनम का न्यू रेशियो है 1:5, ठीक है भैया। चलिए एलसीएम निकालेंगे, 3 और 6 का एलसीएम होता है 30, दैट इज 15 - 6, ओ माय गॉड लंबा है भैया, बहुत लंबा सेक्रीफाइस है, दैट इज 9:30, बहुत लंबा सेक्रीफाइस किया है पूनम ने और हमें दिख भी रहा है, जहां पूनम का रेशियो था 3:6 मतलब 50% का रेशियो था, वहां उसने 1:5 कर दिया मतलब 20% कर दिया, मतलब पूनम लगभग लगभग 30% सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और आप अगर 9:30 का परसेंटेज निकालेंगे तो वो 30% ही आएगा भैया। अकाउंट्स बहुत ही मैजिकल सब्जेक्ट है, अकाउंट्स में एवरीथिंग कैन बी वेरीफाइड, थोड़ा सा अक्कल आप में अगर रहा, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप में रहा तो आप हर चीज इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, अब नेक्स्ट हमें निकालना है धवल का, धवल का ओल्ड रेशियो था हमारे पास 2:6, धवल का न्यू रेशियो है भैया 2:5, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे, कॉमन सेंस कहता है कि धवल ने गेन किया है, पहले 6 में से 2 भाग उसको मिलता था, अब भैया 5 है फिर भी उसको 2 भाग मिल रहा है, मतलब उसने गेन किया, कितना किया निकालेंगे। चलिए नीचे आ जाएगा टोटल 30, ऊपर आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 12, मतलब आपका आंसर आ रहा है -2:30। सो यहाँ आ गया हमारा गेन, धवल गेन कर रहा है 2:30 शेयर। अब अगेन कोमल का मैं निकाले बिना भी आपको बता सकता हूँ कि कोमल का आंसर आएगा 9 - 2, दैट इज 7:30 का गेन रहेगा कोमल को। मैंने कहा था हर क्वेश्चन में गेन इज इक्वल टू सेक्रीफाइस होगा, इस तरीके से आप अपने अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक कर सकते हो, आपका आंसर -7 नहीं आया तो भैया क्वेश्चन में कहीं कांड हुआ है, देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, सो कोमल का ओल्ड रेशियो था 1:6, कोमल का न्यू रेशियो है 2:5। चलिए स्टार्ट करेंगे, नीचे आ जाएगा 30, दैट इज 5 - 12 एंड 5 - 12 मजे की बात है कि 7 होता है, 7:30 मेरा आंसर आ गया, दैट इज गेन। बड़ा ही सिंपल था भैया, क्या बोलते हो, एकदम लल्लू था। वापस से मैंने कहा था एंट्रीज कर रहा नहीं है फिर भी मैं ज्ञान बांटूंगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो भैया की क्रेडिट होंगे,
पूनम जी क्रेडिट हो जाएंगे और जो गेन कर रहे हैं वो डेबिट होंगे, दैट इज धवल और कोमल डेबिट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जनरल एंट्री रहने वाली है जब कभी भी आप करोगे तब। चलिए भैया, यहाँ तक किसी के मन में कोई दुख दर्द पीड़ा या तकलीफ हो तो जरूर से मैसेज छोड़िए, जरूर से चैट बॉक्सेस में लिखते रहिए, मैं आपके साथ हमेशा बैठा रहूंगा। आपके सारे चैट को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले 2 हफ्ते मैं नहीं था, राइट? मैं बहुत ज्यादा किसी इश्यूज में फंसा हुआ था, फिर भी मैंने आपके सारे के सारे चैट पे रिप्लाई किया है। जिसको मेरे को टाइम देना था मैंने टाइम दिया, जिसको मुझे सॉरी बोलना था मैंने सॉरी बोला कि हाँ बच्चा मैं नहीं आ पाया इतने दिन से, थोड़ा तकलीफ में था, बट अभी सब वापस से परफेक्ट हो रहा है धीरे धीरे। अगेन थिंग्स आर कमिंग टू नॉर्मल, सो अगेन आई एम बैक विद सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यू वीडियोस फॉर यू पीपल, राइट बच्चा? सो बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आपके पास रोज पहुंचता रहूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके एकेडमिक ईयर को, आपके अकाउंट्स को, आपके इकोनॉमिक्स को, आपके कॉमर्स को, आपको आपके लिए मैं बहुत सिंपल बहुत ईजी बनाता रहूंगा, राइट? बस थोड़ा सा प्यार बरसाते रहिए, मोटिवेशन मिलता है भैया। चलिए ये था मेरा इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। अब हमारे इलस्ट्रेशन नंबर फोर्थ पे चलिए भैया। इलस्ट्रेशन नंबर फोर्थ भी लगभग लगभग वैसा ही है, बट अब यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में गेन रेशियो निकालिए भैया, सो फॉर्मूले को उल्टा कर देना। अभी तक क्वेश्चन में हमें किसी में कहा था नहीं, मैंने कहीं मिसप्लेस तो नहीं कर दिया, नहीं सेक्रीफाइस ही कहा था और मैंने सेक्रीफाइस ही किया है। सो जब कभी भी गेन कहा जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू की जगह न्यू माइनस ओल्ड कर दीजिएगा, सो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर्स वही रहेंगे, बट अगर कहा गया है कैलकुलेट द गेन रेशियो तो भैया उल्टा करके लिख दो, शायद एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाए। बाकी ऑनेस्टली कॉमन सेंस वाला एग्जामिनर होगा तो बिना मतलब उंगली करेगा नहीं, बट सब एग्जामिनर झंडू ही होते हैं मोस्टली। सो सर प्लीज आप गेन का है गेन निकालो, फालतू टेंशन लेने का नहीं नया, ठीक है? चलिए स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 3 पार्टनर है, डी, जी और एम। इनका रेशियो हमें दिया हुआ है 1:1:1। All partners decided to share future profit ratios into 1:2:3. So भैया ये हो गया new ratio, ये हो गया old ratio, हमें निकालना है gain ratio. So भैया gain ratio का formula मैंने कहा था उल्टा कर देना, that is new minus old. क्या करना भैया? New minus old. अब आपको question देख के समझ में आना चाहिए सर कि G ने कुछ नहीं किया होगा, क्यों? Common sense देखो, G बीच वाले का पहले भी 1/3 था, right? और G का अभी भी 2/6 है, काटोगे तो 1/3 ही आ रहा है, मतलब एक तरीके से जी का कुछ नहीं होगा। डी और एम सेक्रीफाइस गेन कर रहे हैं, ये मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ अभी से, और इतना भी बता सकता हूँ कि भैया डी सेक्रीफाइस कर रहा है और एम गेन कर रहा है, कितना कर रहा है वो आप निकाल लो। चलो स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले हम निकालेंगे डी का, डी का न्यू रेशियो है 1/6, ओल्ड रेशियो है 1/3। एलसीएम अगर दोनों का निकालेंगे, दोनों का अगर हमें एलसीएम निकालने की बारी आएगी, डी का न्यू रेशियो कितना है भैया 1/6 है, ओल्ड रेशियो कितना है भैया 1/3 है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा 1-2, दैट इज -1/6। और मैंने कहा था गेन में जब कभी भी आंसर माइनस में आएगा वो हो जाता है सेक्रीफाइस, क्या हो जाएगा बच्चा वो सेक्रीफाइस। वैसे ही हम निकालने वाले हैं जी का, जी का पहले था 1/न्यू रेशियो था 2/6 और ओल्ड रेशियो था 1/3। मजे की बात है 6, 2-2 दोनों मिला के हो गया 0, मतलब यहाँ पे कुछ भी आने वाला नहीं, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। नेक्स्ट आ गया एम, दैट इज मुकुंद, मुकुंद का न्यू रेशियो है 3/6, मुकुंद का ओल्ड रेशियो है 1/3, इधर आ जाएगा टोटल 6, दैट इज 3-2, सो आंसर आ जाएगा 1/6। और मैंने कहा था मुकुंद गेन कर रहा है, तो भैया मुकुंद गेन कर रहा है और ध्रुविल ध्रुविल कर रहा है सेक्रीफाइस। गेनिंग पार्टनर हमेशा से डेबिट होते हैं, मुकुंद डेबिट होगा और ध्रुविल क्रेडिट होगा, ये आपकी जनरल एंट्री होने वाली है जब कभी भी करने की बारी आएगी तब। थोड़ा सा भैया एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। चलिए भैया बताइए, यहाँ तक आपके मन में कोई दुख दर्द पीड़ा या तकलीफ हो तो जरूर से बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बच्चों जैसा इलस्ट्रेशन था ये, इलस्ट्रेशन नंबर फोर्थ। आगे बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर फाइव पे वापस से। यहाँ पे गेन रेशियो निकालने को कहा गया है, तो भैया फॉर्मूला उल्टा करेंगे, प्लीज ध्यान रखिएगा। चलिए सो हमारे पास पार्टनर है डी, एस और पी, और इनका रेशियो है 1:1:1। अब इन लोगों ने डिसाइड किया रेशियो करेंगे 1:3:3, सो भैया ये हो जाएगा न्यू रेशियो, ये हो जाएगा ओल्ड रेशियो। चलिए स्टार्ट करेंगे, हमें निकालना है गेन रेशियो और गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, राइट है भैया? उल्टा करना है, भूलना मत, हमें करना है न्यू माइनस ओल्ड, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। चलिए स्टार्ट करेंगे डी, डी का न्यू रेशियो है 1/7, डी का ओल्ड रेशियो था 1/3, टोटल आ जाएगा 21, दैट इज 3-7, आंसर आ गया -4/21, दैट इज सेक्रीफाइस। इन शॉर्ट डी कर रहा है सेक्रीफाइस। चलिए आगे बढ़ेंगे, एस की बात करते हैं, एस का न्यू रेशियो है 3/7 और ओल्ड रेशियो है 1/3। चलिए टोटल नीचे आ गया 21, 3 3 9-7, दैट इज
2/21 विच इज इक्वल टू गेन। सो यस मिस्टर एस कर रहे हैं गेन। अब मैंने कहा था बिना निकाले भी पता चलना चाहिए, सॉरी मिस्टर एस नहीं मिस एस, राइट, बिना निकाले भी पता चलना चाहिए कि प्राप्ति शी इज हैविंग अ गेन ऑफ 2/21 क्योंकि दोनों को सेम करना है। फिर भी कैलकुलेट करेंगे हम, न्यू रेशियो है 3/7, ओल्ड रेशियो है 1/3, ये तो सेम ही कैलकुलेशन भी आ गई, 21, 9 माइनस 7 एंड दैट इज 2/21, योर आंसर इज अगेन गेन, आपका आंसर आ गया यहाँ पे गेन। सो अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, एस और पी गेन कर रहे हैं वो डेबिट होंगे, डी सेक्रीफाइस कर रहा है, डी क्रेडिट होगा, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। डन है बच्चा लोग, डन है, एकदम इजी लग रहा है, मजेदार लग रहा है, सिंपल लग रहा है, राइट इनफ, चेक इट आउट, एकदम सिंपल लगना चाहिए आपको, प्लीज मेक श्योर, बहुत इजी होना चाहिए आपके लिए ये क्वेश्चन प्लीज। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे, हम लोग आ रहे हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे, टाइम जाते जा रहा है, समय की सीमा है, इसलिए शायद हम ये आखिरी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपके लिए बाकी चैप्टर मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक टॉपिक था कौन सा, रिजर्व्स वाला, राइट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व के लिए मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा इसी चैप्टर का, इसी वीडियो का, राइट, जरूर से वो भी पार्ट देखिएगा, यहीं पे सारे सम्स करा रहा हूं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पे हो रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना, डोंट वरी। इसलिए हमेशा से लोग बोलते हैं नॉट टू फियर व्हेन मोहित इज हियर, आप भी याद रखो यार टेंशन लेने का नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, एक एक सम एक एक टॉपिक में यही करवाने वाला हूँ। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आएंगे। अब हमारे पास पार्टनर है सागर, सरिता और पलक, इनका रेशियो है 3:3:2। अब ये लोग डिसाइड कर रहे हैं रेशियो को चेंज करना, इनको रेशियो करना है 1:1:1, ये हो गया इनका न्यू रेशियो। अब की बार भैया मुझे निकालना है गेन एंड सेक्रीफाइस बाय पार्टनर, यहाँ पे रेशियो कुछ भी नहीं बोला है, तो भैया सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा दो। चलिए सो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हो जाता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड कितना था भैया, ओल्ड था 3/8, न्यू कितना है, न्यू है 1/3। सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 24 आ जाएगा नीचे, 9 ऊपर चला गया, 8 यहाँ आ गया, दैट इज 1/24 आपका आंसर आ गया विच इज सेक्रीफाइस। तो ये हमने निकाल लिया सागर का, अब हम निकाल रहे हैं सरिता का, सरिता का भी रेशियो 3/8 था, नीचे आ जाएगा 1/3, तो कैलकुलेशन सेम रहेगी, आंसर अगेन आ जाएगा 1/24 सेक्रीफाइस। अब कॉमन सेंस कहता है दो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया मतलब तीसरे को झकमार के गेन करना ही पड़ेगा, और कितना गेन करेगा जितना इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया 1/24 मतलब उसका गेन होना चाहिए 2/24। जीके बेसिक जीके भैया, चलिए फिर भी पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, पलक का निकालेंगे, पलक का रेशियो था पुराना वाला 2/8, न्यू हो गया 1/3, नीचे आ जाएगा 24, 3 2 6 और -8, मतलब आपका आंसर आ गया -2/24 विच इज गेन, ये हो गया गेन, मैंने पहले ही कहा था पलक करेगी गेन इसलिए डेबिट, और सागर और सरिता करने वाले हैं सेक्रीफाइस इसलिए क्रेडिट। ये हमारी जनरल एंट्री की भी तैयारी चालू है, ये हमारी एंट्री की भी तैयारी आपके साथ चालू है भैया, हमने एंट्री भी बीच में छोड़ी नहीं है, और इस सम के साथ में हमारी टेक्स्ट बुक के सारे इलस्ट्रेशन हमारे हो गए हैं रेशियोज वाले। इसके आगे का जो इलस्ट्रेशन है वहां पे अब बड़े बड़े सम्स आएंगे, वहां हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखना है, नॉट टू फियर मैं हूँ, वो भी इजी है, बहुत इजी है, कोई बात नहीं, आप खाली मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसके अंदर मैं आपके लिए इसी चैप्टर के बाकी बचे को इसे इलस्ट्रेशन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 7 से हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, आज हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए शेपर्स एजुकेशन के चैनल पे, डू लाइक डू सब्सक्राइब डू शेयर, राइट इनफ बच्चा, चलिए मिलेंगे वापस से बहुत जल्द, बाय बाय फॉर द डे।